स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लर्नर्स हब पर। तो ज्योग्राफी सीरीज में आज हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है सीमावर्ती देश, यानी कि वे देश जो कि भारत के साथ सीमा बनाते हैं। और साथ ही हम यह भी पढ़ेंगे कि वे कौन से राज्य हैं, भारत के राज्य जो कि हमारे सीमावर्ती देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो शुरू करने से पहले, अगर मेरा चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन यानी कि जो घंटी का निशान बना हुआ है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि काफी लोगों के मेरे पास क्वेरीज आई है कि मैम आपकी जो लाइव क्लासेस होती है उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती। तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको मेरी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अगर वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं, सीमावर्ती देश यानी कि वे देश जो कि भारत के साथ सीमा बना रहे हैं। तो आप मैप में देखें तो मैप में अगर आप देख के बता सकते हैं कि कौन से देश भारत के साथ सीमा बना रहे हैं, तो वे कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार। तो ये देश तो भारत के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं, लेकिन श्रीलंका एवं मालदीव ये ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ सीमा नहीं बनाते, लेकिन ये भारत के पड़ोसी देश है, यानी कि निकट देश है। और निकटतम देशों में वह देश जो भारत का सबसे निकट है वह है श्रीलंका, जो कि सीमा वह निकटतम देश जो कि भारत के साथ कोई सीमा नहीं बनाता, तो वह कौन सा है? श्रीलंका, जो कि भारत से पाक जल डमरू मध्य द्वारा पृथक होता है। और इसी तरह मालदीव भी हमारा निकट पड़ोसी देश है। अब हम देखेंगे सीमावर्ती देश जो कि सीमा बना रहे हैं। तो पश्चिम से हम शुरू करें तो पश्चिम में हमारा सीमावर्ती देश है पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में अफगानिस्तान, उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान एवं पूर्व में जो सीमावर्ती देश हैं वे हैं बांग्लादेश एवं म्यांमार। अब हम सीमा की बात करें तो ये देश जो भारत से पृथक हैं, ये कोई बना रहा है किसी देश की जो सीमा है वह प्राकृतिक रूप से निर्मित है, तो ऐसी सीमा रेखा जो कि मानव द्वारा निर्मित है, यानी कि मानव निर्मित सीमा रेखा। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो देशों के बीच जो सीमा रेखाएं हैं वे कोई भी किसी भी प्रकार की हो सकती है, वे या तो प्राकृतिक तौर पर निर्मित हो सकती है या फिर मानव निर्मित। प्राकृतिक की बात करें तो जैसे कि उत्तर में जो हिमालय है वह एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाता है, और इसी तरह जो उत्तर पूर्व में भी जो पर्वत उत्तर पूर्व में जो हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं वे भी जैसे कि अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार एवं भारत में म्यांमार एवं भारत को जो प्राकृतिक जो सीमा रेखा अलग कर रही है वह कौन सी है? हिमालय यहाँ चीन को हमसे अलग तो कर ही रहा है, और साथ में म्यांमार को कौन कर रहा है? जो हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ हैं वे अलग कर रही हैं। और वे उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? अराकामायोमा, आप ये नोट कर लें, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि वे पर्वत श्रृंखलाएं जो कि भारत एवं म्यांमार के बीच स्थल सीमा बनाती हैं कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं? अराकामायोमा, नागा एवं पटकई पर्वत श्रृंखला। साथ ही आपसे ये भी पूछा जा चुका है कि वह पूछा जा सकता है कि वह कौन सी नदी है जो भारत एवं म्यांमार को अलग करती है? तो भारत एवं म्यांमार को इरावदी नदी अलग करती है। तो आपको समझ आ गया होगा यानी कि ये सब क्या है, कि एक प्राकृतिक सीमा रेखा बना रही है। तो ये था प्राकृतिक सीमा रेखा के बारे में। अब मानव निर्मित बात करें तो मानव निर्मित सीमा रेखा यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित है, जैसे कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो कि बाद में विभाजन के बाद मानव द्वारा निर्मित की गई, इसी तरह जो भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा है वह भी मानव निर्मित सीमा रेखा है। तो ये थी दो टाइप की सीमा रेखा, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब हम शुरू करते हैं हमारे सीमावर्ती देशों से। तो पश्चिम से हम शुरू करते हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान, आप सभी को पता है कि भारत एवं पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है इस पर अक्सर विवाद घिरे रहते हैं। आप न्यूज़ में देखते होंगे कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो दिन प्रतिदिन जो फायरिंग होती रहती है, बॉर्डर का उल्लंघन किया जाता रहा है। इसी तरह जो हमारे काफ़ी विवाद रहे हैं इस बॉर्डर पर, और आपने शायद सुना होगा कि पाकिस्तान में जो हमारा दूसरा पड़ोसी देश यानी कि चीन एक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। कौन सा? सी पैक। ये क्या है?
चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सॉरी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इस कॉरिडोर के तहत क्या हो रहा है, जो चीन है यह पाकिस्तान में एक बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। कौन से बंदरगाह का? ग्वादर बंदरगाह। और जो ग्वादर बंदरगाह है इसके थ्रू चीन को तो क्या होगा, चीन को तो एक इकोनॉमी फायदा होगा, आर्थिक रूप से इसे अधिक फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इसे एक विदेशी पूंजी की प्राप्ति हो रही है। और चीन को क्या फायदा होगा? चीन इस बंदरगाह के थ्रू, इस ग्वादर बंदरगाह के थ्रू क्या करेगा, अपनी पाकिस्तान में बढ़त तो बना ही रहा है, साथ में जो दूसरा व्यापार करेगा व्यापार से इसे लाभ होगा। और तीसरी जो मेन बात है, चीन इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू, ग्वादर बंदरगाह के थ्रू, जो अपने पश्चिमी देश हैं जैसे कि अफ्रीकी देश अफ्रीकी देश, यूरोपीय देश, उन देशों तक अपनी पहुंच आसानी से बना सकेगा। क्यों? अगर वह पाकिस्तान के थ्रू ना जाए, यानी कि इस सी पैक कॉरिडोर से ना जाए, तो उसे पूरा घूम के, यानी कि मलक्का स्ट्रेट से घूमकर जाना पड़ेगा अफ्रीकी या यूरोपीय देशों तक व्यापार करने के लिए। लेकिन ग्वादर बंदरगाह का निर्माण किए जाने के कारण, यानी कि सी पैक चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विकास होने के कारण क्या हुआ कि जो चीन है अब अपना व्यापार इस बंदरगाह के थ्रू क्या करेगा, पश्चिमी देशों यानी कि अफ्रीकी एवं यूरोपीय देशों के साथ आसानी से कर सकता है। तो ये था सी पैक ग्वादर बंदरगाह के बारे में। और इसी बंदरगाह को इस चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के सहयोग से क्या होगा कि चीन का जो एक और रणनीति है, कौन सी? ओबोर वन बेल्ट वन रोड, यानी कि इस जो चीन की नीति है, इस नीति को भी सी पैक कॉरिडोर से सहायता मिल रही है। क्यों? क्योंकि इस नीति के तहत चीन क्या करना चाहता है, चीन भारत को चारों ओर से घेरना चाहता है। तो इस तरह ओबोर नीति में भी जो यह सी पैक की नीति है चीन की सहायता कर रही है। तो आगे जो हम डिटेल में इसके बारे में अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी जो IR का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम डिटेल से समझेंगे। तो ये था पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा हमने देखा। तो अब हम देखते हैं कि वे राज्य जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, तो वे कौन से हो गए? यहाँ से उत्तर से स्टार्ट करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात। तो ये चार राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। अब आता है अफगानिस्तान, जो कि उत्तर पूर्व हमारा पड़ोसी देश है। तो अफगानिस्तान से आप बात करें तो अफगानिस्तान के साथ हमारी एक छोटी सी सीमा रेखा है ये। तो ये छोटी सी सीमा रेखा है और ये सीमा रेखा जो क्षेत्र बनाते हैं, यानी कि जो ये पूरा क्षेत्र है हमारा, यह क्या कहलाता है? POK, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। जो यह क्षेत्र है इस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा रखा है, लेकिन भारत इसे मान्यता नहीं देता। भारत का यह हिस्सा है और रहेगा भी, लेकिन जो पाकिस्तान है इस पर कब्जा जमाता है। अगर आप पाकिस्तान का मैप देखें तो पाकिस्तान अपने मैप में भी ये पूरा हिस्सा अपने देश में शामिल करता है। तो इसके कारण जो अगर आपसे पूछा जाए कि जो अफगानिस्तान के साथ हमारी कौन सी सीमा रेखा बनती है, तो कौन बनाता है? जम्मू कश्मीर राज्य का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हिस्सा है, वह अफगानिस्तान के साथ जो है सीमा रेखा बनाता है। इसके कारण जो क्या हो रहा है कि जो हम अफगानिस्तान से व्यापार भी करना चाहते हैं तो व्यापार भी हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा रखा है। और इसके साथ ही इसी हिस्से से पाकिस्तान उस ऑक्यूपाइड कश्मीर से ही जो अभी हमने बात की थी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह जो कॉरिडोर है इसी हिस्से से होकर गुजर रहा है, और इसलिए भारत ने अपने इसके लिए आपत्ति भी दर्ज कराई है। तो ये था अफगानिस्तान के बारे में। और अफगानिस्तान में आपने देखा कि कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर का जो POK रीजन है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यह है इसके साथ सीमा रेखा बनाता है। अब है हमारा चीन। तो चीन के साथ जो हमारे काफ़ी विवाद रहे हैं, हमने एक तो आपने अभी देख लिया जो पाकिस्तान के संबंध में है। तो चीन के साथ जो कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बना रहे हैं, कौन से, आप देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये राज्य चीन के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। उसके बाद हमारा नेपाल, उत्तर पूर्व में नेपाल, और नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाने वाले कौन से राज्य हैं, यहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल। तो ये राज्य नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। अब आता है भूटान, जो कि सबसे शांत प्रिय देश है। तो भूटान के साथ आप देखिए, भूटान के बारे में आप सबको पता होगा कि हाल ही में, जो पिछले साल आपने सुना होगा कि डोकलाम विवाद हुआ था। तो डोकलाम विवाद, जो कि डोकलाम क्या है, भूटान में एक क्षेत्र पड़ता है और भूटान का हिस्सा है, जहाँ चीन ने किया गया था कि वहाँ सड़क निर्माण शुरू कर दिया था। तो जो भारत की भूटान के साथ 1950 में एक संधि हुई थी, तो इस संधि के तहत भारत ने माना था कि वह भूटान की जो संप्रभुता है उसकी रक्षा करेगा। और इसी संधि के तहत भारत ने डोकलाम विवाद में हस्तक्षेप किया। क्योंकि जो डोकलाम है वह भूटान का हिस्सा है, और भूटान के हिस्से में जब चीन ने हस्तक्षेप किया तो वह उसकी संप्रभुता पर एक खतरा था। तो इसलिए भारत ने इसका विरोध किया, और यही हम डोकलाम विवाद के नाम से जानते हैं। और भूटान की अगर हम देखें तो भूटान की सीमा रेखा कौन राज्य बना रहे हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये असम और ये अरुणाचल प्रदेश इसकी सीमा रेखा बनाते हैं। अब हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश के आपने सुना होगा न्यूज़ में कि हाल ही में जो आवामी लीग की जो मंत्री हैं शेख हसीना, वे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हैं, जो कि भारत हित में है। क्योंकि जो शेख हसीना जी रही हैं वे भारत के सपोर्ट में रही हैं। क्योंकि उन्होंने हमेशा ही जो बांग्लादेश की जो भूमि पर भारत विरोधी जो गतिविधियाँ होती रही हैं, जो वहाँ पर आतंकवादी पनप रहे हैं, उनके विरुद्ध उन्होंने कई कदम उठाए हैं, यानी कि वे उसके विरोध में रही हैं। तो भारत विरोधी गतिविधियां जो बांग्लादेश की भूमि पर पनपती हैं, उसके विरोध में शेख हसीना ने हमेशा विरुद्ध रही है, इसलिए उनका प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए हित में है। तो बांग्लादेश के साथ जो राज्य अपनी सीमा रेखा बना रहे हैं वह कौन से हैं, ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो ये जो राज्य हैं बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं। उसके बाद म्यांमार, तो म्यांमार के साथ सीमा रेखा कौन से बना रहे हैं राज्य, अरुणाचल प्रदेश। और ये अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो जिसकी सर्वाधिक सीमा म्यांमार देश से लगती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम, तो ये राज्य म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। तो ये तो हमने जाना कि विभिन्न राज्य जो कि भारत के साथ जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं हमारे सीमावर्ती देश के साथ। इसी में हम एक चीज़ और देख लें, 3+3 का नियम। ये क्या है, 3 यानी कि 3 राज्य जो कि 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कौन से 3 राज्य हैं जो कि 3 देशों के साथ सीमा बना रहे हैं, तो एक है हमारा सिक्किम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और तीसरा है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन से 3 देश हैं जिनके साथ वे सीमा रेखा बना रहे हैं, तो वह अब देखेंगे। पहला हम सिक्किम, तो सिक्किम ये है, तो सिक्किम किस किस साथ सीमा रेखा बना रहा है आप खुद देखें, नेपाल, भूटान एवं चीन। इसी तरह जो पश्चिम बंगाल है वह, ये हमारा पश्चिम बंगाल जो पूर्व में बांग्लादेश के साथ, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, यानी कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ यह सीमा रेखा बना रहा है। और तीसरा देश है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जम्मू कश्मीर, तो देखकर आपको पता लग रहा है किसके साथ सीमा रेखा बना रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं चीन के साथ। तो ये था 3+3 यानी कि 3 राज्य जो कि 3 देशों के साथ सीमा रेखा बना रहा है। इसके अतिरिक्त एक ऐसा कौन सा राज्य है, वह कौन सा राज्य है जो कि 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से घिरा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, यह राज्य त्रिपुरा है, जो कि 3 ओर से, यानी कि जो उत्तर में बांग्लादेश, पश्चिम में भी बांग्लादेश और ये दक्षिण में भी बांग्लादेश, यानी कि 3 ओर से सीमा रेखा से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से घिरा हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वह ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ जो हमारी सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा लगती है, तो आप देख लें, तो बांग्लादेश, इसकी सीमा आप देख सकते हैं, ये को जो बांग्लादेश की सीमा है इसकी सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि भारत के साथ लगती है। तो ये था सीमावर्ती देशों के बारे में। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो कि हमारे दूसरे देशों के साथ लगती है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो पहली है डूरंड रेखा,
डुरंट रेखा किस अंतर्राष्ट्रीय रेखा को हम कहते हैं? डुरंट रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को हम डुरंट रेखा कहते हैं। दूसरा है रेड क्लिफ रेखा, यह वह रेखा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है कौन कौन से देश के बीच? भारत की पाकिस्तान देश के साथ। तो भारत एवं पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तीसरा है मैकमोहन रेखा, और जो मैकमोहन रेखा है यह किसके साथ है हमारी सीमा? यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके? भारत एवं चीन के बीच। तो ये थी तीनों देशों के साथ डुरंट रेखा हमने देखी, अफगानिस्तान के साथ रेड क्लिफ, पाकिस्तान के साथ, और जो मैकमोहन रहे हैं वह चीन के साथ। तो ये थी तीन हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आया हो। और तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो थैंक यू सो मच।